और अलग अलग लीडर्स की टीम में, तो हाँ वहाँ जाके मेरे को ये पता चला कि माई लाइफ स्टाइल का बिजनेस वो लोग अपने एरिया में किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये सब का जो मेरे को एक्सपीरियंस मिला, आज वही एक्सपीरियंस जब तक मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों के बीच में वही शेयर करूँगा, चलेगा आपको? ये दोनों साइड का एक्सपीरियंस का मतलब आप समझ गए, दोनों साइड का एक्सपीरियंस, 9 साल इधर 9 साल उधर, समझे मतलब? क्या समझे? मैं समझाता हूँ, मैं लड़के वाला भी हूँ और लड़की वाला भी हूँ, आज दोनों टाइप की बातें होंगी, चलेगी? यस तो कुछ एक सवाल पूछूंगा, ईमानदारी से जवाब देना, देंगे? यस ये तो इतने ही लोग ईमानदार है, बाकी लोग सब देंगे। यस आगे बढ़ने से पहले आज मेरे ख्याल से टीम फोर्स के लिए ये मेरा फिफ्थ सैटरडे है, पांचवा सैटरडे मैं आज इधर आ रहा हूँ गोल्डन वैली, और मैं पूरा इंडिया घूमता हूँ, सिर्फ सैटरडे को बॉम्बे में मिलूंगा वो टीम फोर्स के लिए, और संडे फिर मैं निकल जाऊंगा। तो आप लोग के दोनों महागुरु इधर बैठे हुए, अनिल जी राकेश जी, यस तो अब जरा उनके लिए ताली बजाइए। इसके बाद इधर मनोज सिंह जी भी बैठे हैं और उनकी टीम भी बैठी है, तो जरा एक बार मनोज सिंह जी के लिए भी बनके ही ऊपर जाना चाहते हैं, सारे सारे हाथ नहीं उठाए तो करोड़पति है ये। देखिए इस जन्म में आपको अगर कोई करोड़पति बना सकता है
तो एक वो माइलेज स्टाइल बना सकता है और टीम फोर्स में ये जो मैंने अभी तक नाम लिए है ये लोग बना सकते हैं जिस हिसाब से सुने पहले बजा लेते तो ये बताने की भी जरूरत नहीं जिस हिसाब से आपने ताली बजाई है ना ये सत्संग वाली उस हिसाब से आपको इस बिजनेस में 5 से 10 लाख आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात करोड़पति बनना है बनना है आसान है बनना करोड़पति बनना मुश्किल है सबसे पहले तो खुद के लिए ताली बजाना सीख लो अगर करोड़पति बनना है तो मैं आपको मौका दूंगा और मौका देने से पहले आपको मेन्यू कार्ड भी बता देता हूँ जो लोग बैठ के सत्संग वाली ताली बजाएंगे 2 से 5 लाख रुपए आएंगे जो खुद ही यही बता रहे मेरी बस्ती में जो लोग बैठ के जोश से बजाएंगे वो 10-15 लाख जो लोग खड़े होके जोश के साथ बजाएंगे 25 से 30 लाख जो लोग खड़े होके ताली बजा के सीटी बजा के बिना म्यूजिक के म्यूजिक बजना नहीं चाहिए डीजे वाले हो गए बिना म्यूजिक के वो अपने आप को प्रूव करेगा कि आज तक मैंने जो काम किया उससे मैं करोड़पति बना लिया हूँ अब करोड़पति बनने के लिए खुद के अंदर पहले चेंज लेके आना पड़ेगा और सबसे बड़ा चेंज ये है कि मैं सोचूंगा ही नहीं हॉल में कोई है मेरे को जैसे भी चाहिए वैसे ताली बजाऊंगा और वैसे सीटी बजाऊंगा उस आदमी में कहीं ना कहीं 1% चांस है कि करोड़पति बनेगा और कभी बाजार में आप अकेले घूम रहे हो और मूड कर लिया बहुत साल हो गए ताली बजा के अगर ताली बजाऊंगा और आप अकेले घूम रहे हो और वहां पे अगर आपने ताली बजाई तो
लोग आपके बारे में क्या और क्या सोचेंगे आप सोचेंगे। लाइफ के अंदर ताली बजाने का मौका बहुत कम मिलता है, स्पेशली मिडिल क्लास लोगों को। आते हैं आते हैं तो आज मौका मिला है, बजा लो। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल पूछूंगा, ईमानदारी से जवाब देंगे? ईमानदारी से जवाब देंगे? यहाँ पे कितने लोग ओनली डिस्ट्रीब्यूटर रैंक पे है, टीम का रैंक नहीं, माइलस्टाइल का कोई रैंक नहीं, ओनली डिस्ट्रीब्यूटर है, भले 2,49,000 ही मैच हुए। ठीक है, कितने लोग टीसी या उससे ऊपर के रैंक पे हैं? और जिन्होंने दोनों सवाल में हाथ नहीं उठाया, ये कौन सी वैरायटी है? ये मैं बताता हूँ कौन सी वैरायटी है, ये घर से सोच के आए। आपने जितने पैसे लिए उससे डबल ले लेते तो भी दे देते, जबरदस्ती आ भी गए इधर, दो दिन रहेंगे भी, डीजे में नाचेंगे भी, पर कुछ भी हो जाएगा, ये दो दिन ना हम हाथ उठाएंगे ना ताली बजाएंगे, घर से सोच के चले हुए लोग। और मैं इनको सबसे पहले पहचानने की कोशिश करता हूँ, कोई भी मीटिंग में जाता हूँ यही मेरा सवाल है जिससे मैं पहचान लेता हूँ, ऐसे वाले कितने लोग हैं जो आज सोच के बैठे हुए हाथ नहीं उठाएंगे। और इनको पहचानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये जब तक मैं इधर रहूंगा यही लोग सबसे ज्यादा मेरे को घूर घूर के देखेंगे। जब मैं इनको पहचान लेता हूँ और इस हॉल में भी मैंने पहचान लिया है, तो इन लोगों को यही बताना चाहता हूँ, दो आपके भगवान ने मेरे को भी दी है, मैं भी पलट पलट के घूर घूर के देखूंगा। चलेगा? कितने लोग फुल टाइम माई लाइफ स्टाइल करते हाथ उठा रहे? ठीक है, कितने लोग पार्ट टाइम माई लाइफ स्टाइल करते? और जिन्होंने दोनों सवाल पे हाथ नहीं उठाया, या तो ये पहले वाली वैरायटी है या इनको पता ही नहीं हम करते क्या है। आगे बढ़े। मेरी ख्याल से आज सारे के सारे बॉम्बे से लोग हैं, इंदौर से भी हैं। पहले तो बॉम्बे वाले हाथ उठा करो। ठीक है, अब जरा इंदौर वाले हाथ खड़ा करो, जरा बॉम्बे वाले इंदौर वाले ने ताली बजाओ। इसलिए ताली इसलिए बजाइए, इंदौर से आइए बिजनेस की ट्रेनिंग लेने के लिए। आप सही नहीं है? yes. और आप लोगों में से 20% तो यही लोग हैं, और आप लोग बॉम्बे में रहके भी आपकी टीम नहीं आई होगी मेरे हिसाब से। इसके लिए इनके लिए और एक बार ताली बजाइए। बॉम्बे और इंदौर के अलावा कितने लोग हैं यहाँ पे? अच्छा, दो ही सिटी के लोग हैं, बॉम्बे और इंदौर, बराबर है? अरे बराबर है तो यस बोलो, नहीं मेरे पूरे सेशन में या तो यस बोलना पड़ेगा नहीं तो नो बोलना पड़ेगा, पर कुछ ना कुछ तो दोनों में से एक में बोलना पड़ेगा। आपके इधर यस नो बोलने का रिवाज है इंदौर में? बॉम्बे में है ये तो मेरे को पता है। तो आज का सेशन चालू करते है, खड़े होके नहीं बनते, बैठ के बनते हैं, बैठ। तो देखिए, जैसे मैंने बताया था कि जूम के ऊपर से मेरा विश्वास उठ गया, और ये आज नहीं उठा है, 2 महीने में नहीं उठा, 1 साल में नहीं उठा, पिछले साल ही उठ गया था।
आप लोगों में से कितने लोगों ने जूम की कोई ना कोई मीटिंग अटेंड की माय लाइफस्टाइल की? बाकी लोगों को पता है जूम नाम की कोई चिड़िया आई हुई है? पिछले साल लॉकडाउन के अंदर या कभी भी आप देख लो जूम की मीटिंग में अगर 200 लोग होते हैं तो ये जिसकी टीम होती है उसका मेन लीडर जिसने ये मीटिंग बुलाई है रूम पे, ये बेचारा बोल बोल के स्टार्टिंग से लेके यही बोलता रहता है कि जितने भी लोग हैं सबके सब कैमरा ऑन करो। आपकी मीटिंग में कभी लीडर बोलते हुए? अब आप मेरे को बताओ 200 लोगों को अपना मेन लीडर इनके मारू ये बोल रहे कैमरा ऑन करो, कितने लोग कैमरा ऑन करते होंगे 200 में से? नहीं आप लोग तो करते ही मुश्किल से 25 से 30 लोग 200 में से, बात सही है कि नहीं है? मुश्किल से 25 से 30 लोग, मतलब 10 से 15% लोग जो कैमरा ऑन करते हैं। अब 200 में से जो 25 से 30 लोगों ने कैमरा ऑन किया है उसमें आपको किसी भी रूम मीटिंग में बनियान पहने हुए लोग दिखाई दिए? दिखाई दिए कि नहीं दिए? बनियान ही नहीं पहना हुआ है इसने, बेड पे लेटा हुआ मीटिंग देख रहा है। बनियान पहन के बेड पे लेटे हुए लोग देखे क्या? अरे देखे तो यस बोलो। देखिए मैं इनको देख के यही सोचा करता हूँ, हर मीटिंग में मिलते ही और यही सोचा करता हूँ यार तू तेरे घर पे है लॉकडाउन में है सोफे पे लेट फर्श पे लेट बेड पे लेट कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरा घर है लॉकडाउन है तेरे घर में तू बनियान पहन टी शर्ट पहन शर्ट पहन कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉकडाउन में तेरा घर है। मेरे दिमाग में एक ही सवाल होता था अगर तूने यही सब कर रहा है तू तूने कैमरा क्यों ऑन रखा हुआ है? आप सही है कि नहीं है? अरे बोझ बना दूं मैं जब तक आप ठीक नहीं होगा मैं बोलूंगा आप एक खड़ा जाऊंगा जितनी फुटवे चीज तो 25 से 30 में लुंगी वाले मिलते बनियान वाले मिलते, आपने खाली पंखे घूमते हुए देखे क्या? मीटिंग में डिस्ट्रीब्यूटर गायब है खाली पंखा दिखाई दे रहा है, देखे क्या आपने? बहुत पंखे देखे मैंने, कितने पंखों के ब्रांड है वो रूम से पता चला और समझ नहीं आ रहा है ये मीटिंग कौन देख रहा है, पंखा देख रहा है पंखे का स्विच देख रहा है इसके बाजू में बल्ब है वो देख रहा है डिस्ट्रीब्यूटर का कहीं भी नहीं। और बहुत सारे लोगों को मैंने पेड़ के नीचे बैठ के भी मीटिंग अटेंड करते हुए देखा है। आपने पेड़ वाले ये पेड़ के नीचे क्यों बैठा है? जहां तक मेरे को एक्सपीरियंस है इसके लिए बैठा है कि लॉकडाउन में ये माय लाइफस्टाइल की मीटिंग इसमें हिम्मत नहीं है कि घर पे बैठ के अटेंड करे, इसके लिए चुपके से निकला है कोई भी एक पेड़ चला बाकी घर वाले तो छोड़ेंगे नहीं आज। अब आप मेरे को बताओ 200 में से 25 से 30 लोग कैमरा ऑन करते हैं और उन लोगों के ये हाल है तो जो बाकी 170 जिन्होंने कैमरा बंद करके रखा हुआ है इनका क्या हाल होगा? आप सोच के दीजिए, सोचना क्या है आप लोगों को पता ही है बात सही है कि नहीं है? और मेरा विश्वास किस दिन उठा मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट लॉकडाउन आप सब लोग थे ना उसमें लॉकडाउन में थे ना फर्स्ट में, तो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई मैं तो घूम रहा था सर कितना भी लॉकडाउन हो तो गली गली 7 महीने घुमाऊ मैं, सबके सब थे कि नहीं थे लॉकडाउन में? अब अनलॉकडाउन जैसी हुआ तो मैं फील्ड में निकला और ऐसी टाइप की मीटिंगें मैंने अटेंड कर दी चालू करी और इसी तरह से तीसरी चौथी एक सर जा रहे जोर से ताली बजा देना सर तो बाकी सारे लोग बाकी सारे याद रखना जैसी बोलना थंडर आदत में जाना लगता है बॉम्बे के है ना वो आगू के नहीं इंदौर पे हाथ नहीं उठाए बॉम्बे खतरे में लगता है इम्पोर्टेंट फोन आया है तो हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं आएंगे ताली बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे? तो देखिए तीसरी चौथी मीटिंग में मैं था
और मैंने उस टाइम में बहुत जूम मीटिंग दी थी लॉकडाउन में। अनलॉकडाउन में जैसे मैं लोगों के बीच में गया, मेरे ख्याल से मैं गुजरात में था कहीं सूरत में, और मैंने वहां पे जितने लोग बैठे थे वहां पे जितने लोग अच्छा इधर से उधर चले गए, मैं सोचा दरवाजा खोलने वाले हैं। तो जितने भी लोग मीटिंग में थे मैंने उन लोगों से एक सवाल पूछा, मैं बोला कितने लोगों ने मेरे को जूम पे सुना है जैसे मैंने आज आप लोगों को पूछा। वहां पे कुछ 5-10 लोगों ने हाथ उठाया होगा, क्योंकि उस टाइम अनलॉकडाउन स्टार्ट ही हुआ था, 50 से ऊपर लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। तो 5-7 में से एक को मैंने खड़ा किया, अच्छा मैडम कब गई बाहर, ताली बजा दो एक बार। तो मैंने एक को उसमें पूछा, मैं बोला सर आपने मेरी जूम की मीटिंग सुनी, बोला सुनी, बोला मैंने रीपर्चेस के ऊपर 20 मिनट बात किया, आपको कुछ याद है, तो बोला हाँ सर मीटिंग को अटेंड करी, तो मैंने अगर कुछ याद है तो ये जितने लोग बैठे जा रहे एक बार दोहरा सकते हैं इनके सामने, इनको बताओ उस 20 मिनट में मैंने क्या बोला अगर आपको कुछ याद है। तो जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा ना, वो मेरे को ऐसे देखने लग गया सवाल पूछने के बाद जैसे जिंदगी में पहली बार मिला। और फिर मैंने उसको दोबारा पूछा, बोला सर सच सच बताओ आपने मीटिंग अटेंड की थी, बोला की थी ना सर, आपसे क्यों झूठ बोलूं। बोले यार मीटिंग अटेंड करी, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर गए और आपको याद नहीं है तो कैसे मीटिंग अटेंड करी। तो बोले सर हो सकता है जब आप इस टॉपिक पे बात कर रहे हो रील पड़ती है इसके ऊपर, तो हो सकता है जब मैं ब्रेड लेने गया था उस टाइम तब आपने ये बताया था, इसके लिए कुछ होगा। उस दिन के बाद से जूम के ऊपर से भरोसा उठ गया। ये जो 170 लोग है ना इधर, जो एक जूम मीटिंग में कैमरा ऑन नहीं करते, मेरे को पक्का पता है ये लोग क्या करते हैं, कहीं व्हाट्सएप पे लगे, पड़ोसी से बात कर रहे, टीवी देख रहे, खाना खा रहे और घूम फिर के आते, अच्छा मीटिंग खत्म नहीं हुई क्या। और इधर लीडर बेचारा खुश है, मेरे 200 लोग तन तनातन एजुकेशन ले रहे। और कोरोना आने के बाद डायरेक्ट सेलिंग में चेंजेस आए कि नहीं आए हमारी लाइफ में, डायरेक्ट सेलिंग की स्पेशली बात कर रहा हूँ, चेंजेस आए कि नहीं आए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कोरोना आने के बाद सबसे पहला चेंज क्या आया था। मैं एक टॉप के आईटीसी लीडर, आईटीसी का मतलब समझते हैं आप, इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर, वो अपनी टीम का मीटिंग ले रहे थे जूम के ऊपर और करीब 450 लोग वो मीटिंग अटेंड कर रहे थे उनकी टीम की और उनकी ट्रेनिंग लेने के लिए वो आए हुए थे। और मैं इन 450 में मैंने भी उनको सर को रिक्वेस्ट किया था कि सर आपकी जूम की ट्रेनिंग है मैं भी उसको अटेंड करना चाहता हूँ, तो आप मेरे को जूम आईडी भेज देना। तो ये 450 लोगों में मैं भी अटेंड कर रहा था, अब देख कौन रहे थे टॉप के आईडीसी लीडर और 450 लोग अटेंडेंस में, और ये ट्रेनिंग जो चली वो 2.5 घंटा चली। तो वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता ना स्पीकर जो भी बात करता है, तो ये जो सर स्क्रीन में दिखाई दे रहे थे आईडीसी लीडर, इन्होंने कोट जैकेट टाई सब पहना हुआ था और ये दन दनादन मीटिंग दे रहे थे और मैं भी सुन रहा था और 450 लोग भी सुन रहे थे, 2.5 घंटा तक ये चला। और इस बीच में एक गड़बड़ हो गई, गड़बड़ ये हो गई कि इस मीटिंग के बीच में हमारे आईटीसी लीडर जो ट्रेनिंग दे रहे थे उसको एक मच्छर ने काटा। अब जैसे इस हॉल में आपको अभी कोई एक मच्छर काटेगा, इसको मारने के लिए हाथ उठेगा कि नहीं उठेगा, अरे उठेगा तो ये बोलो नहीं बोलो, हमको अजगर भी काट के जाएगा, हमने ऐसे उठेगा ना, जैसे ही मच्छर काटेगा आप तुरंत उसको मारने के लिए हाथ उठाएंगे, रिफ्लेक्स एक्शन है। वो तो सर को मच्छर ने काटा, उन्होंने भी उसको मारा और मारने के लिए जैसे हाथ उठा के उसको मारा, तो 450 लोगों को एक चीज पता चल गई, सर ने ऊपर तो कोट शर्ट टाई जैकेट सब पहना कर दिया, टीचर पहनी शर्ट पहनी है, छोड़ो नीचे क्या पहना हो। और जब वो मीटिंग खत्म हुई ना, मैंने सर को फोन लगाया, मैं बोला सर ट्रेनिंग फाड़ हुई, हिला कर दिया 450 लोगों को आपने, और उसके अंदर एक गड़बड़ हो गई, आपको पता चला क्या? सर बोले पता तो चला पर तब तक बहुत देर हो चुकी है। और फिर उन्होंने भी मेरे से एक सवाल पूछा, बोले सर सच सच बताओ आप भी जूम पे बहुत मीटिंग देते हो, मैं देता है ना, बोले ऊपर आप कोट शर्ट जो भी पहनते हैं नीचे क्या पहनते हैं, बोले सर नीचे मैं भी शॉर्ट्स ही पहनता है। अभी आप लोग बताओ कोरोना आने से पहले
आपके खतरनाक से खतरनाक भयंकर से भयंकर सपने में कभी ऐसा सपना आया था कि मैं आने वाले टाइम में ऐसा बिजनेस मीटिंग अटेंड करूंगा जिसमें ऊपर छठ को कभी कभी सपने में भी आया था क्या करोना आने के लिए आया था कभी हॉल में कोट और नीचे शॉर्ट सोचा था क्या कभी बिजनेस मीटिंग में कभी ख्याल नहीं आया पर हकीकत में करोना आने के बाद हुआ कि नहीं हुआ हुआ कि नहीं हुआ ये चेंज कौन लेके आया करोना लेके आया लाया कि नहीं लाया बहुत सारे चेंजेस आए अब लाइफ के अलावा मतलब माय लाइफ के अलावा लाइफ में भी चेंजेस आए कि नहीं आए लाइफ के चेंजेस की अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे सारे लोग फर्स्ट लॉकडाउन में थे तो फर्स्ट लॉकडाउन में जितने भी लोग थे पूरे इंडिया में कहीं भी किसी के भी दिमाग में ये चीज उस टाइम आ रही थी कि आने वाले महीनों के बाद सेकंड लॉकडाउन भी आएगा किसी ने भी सोचा था नहीं सोचा था पहला जब लॉकडाउन ही स्टार्ट होता लोग सोच रहे थे भी ये 10-15 दिन महीना दो महीना चलेगा फिर पता चला 7 महीना चला पर ये 7 महीने में भी किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि आने वाले महीनों में सेकंड लॉकडाउन आएगा पर सेकंड लॉकडाउन आया कि नहीं आया सर आगे सर आगे बॉम्बे पूरी तरह से फ्री है क्या आज भी मेरे ख्याल से मल्टीप्लेक्स बंद है आप शॉपिंग मॉल जा सकते हैं पर डबल वैक्सीनेशन होना चाहिए और अभी भी सिनेमा हॉल बंद है आज देखिए आप केरला देख लीजिए आप नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए आज भी सेकंड लॉकडाउन उधर खत्म नहीं हुआ मैं अभी केरला जाके आया हूँ 20 दिन पहले और वहाँ पे 4 बजे के बाद अब मतलब कर्फ्यू लग जाता है तो आज सेकंड लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ पर थर्ड लॉकडाउन की बातें सुनाई दे रही कि नहीं दे रही दे रही है अब आप इस हॉल के अंदर बैठा हुआ कोई भी आदमी ये गारंटी के साथ बता सकता है कि थर्ड के बाद फोर्थ नहीं आएगा कोई गारंटी दे सकता है और भी आ सकता है फिफ्थ भी आ सकता है क्योंकि कोरोना नया नया रूप लेके आ रहा है हर लॉकडाउन के अंदर पिछले वाले लॉकडाउन में अगर आपको याद हो तो इसका नाम था COVID-19 याद है आप थर्ड लॉकडाउन में जब ये आएगा ना इसका नाम आपको पता चलेगा COVID-22 हो चुका है 19 से प्रमोशन होकर 22 आ चुका है और पिछले साल जब कोरोना आया हुआ था तब बोला जा रहा था कि 45 से ऊपर जितने भी लोग हैं साल के 45 से नबाव ये लोगों को जान का खतरा है कोरोना से इसके नीचे वालों को अगर होगा भी तो जान का खतरा नहीं है रिकवर कर लेगा ये बात सही थी yes. सही थी yes. तो आज सेकंड लॉकडाउन में आपको क्या सुनाई दिया 30 साल से ऊपर वाले भी इस क्लब में शामिल हो गए अब वो भी खतरे में आ गए और थर्ड लॉकडाउन की अभी भी आपको कान में सुनाई दे रहा होगा कि 12 साल से ऊपर के बच्चे भी अब खतरे में आ जाएंगे बात सही है कि नहीं है तो नया नया रूप ले लिया अगली बार ये नया रूप लेके आ रहा है और अब की बार वाले को डेल्टा प्लस बोल रहे हो सकता है नेक्स्ट वाले को डेल्टा माइनस बोला जाए और इस साल में आपको 2-3 नई बीमारियां और पता चली होंगी खतरनाक ब्लैक फंगस का नाम सुना जब तक समझ में नहीं आया ब्लैक फंगस क्या होता है पता चला कि पीछे पीछे व्हाइट फंगस भी आ रहा है और कुछ लोग ये सोच रहे ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है तो उनको ये पता चला कि पीछे पीछे कलर वाला भी आ रहा है येलो फंगस और ये फंगस वायरस लॉकडाउन अनलॉकडाउन मैं आपको बताता हूँ मेरे हिसाब से और यहाँ पे बहुत लोग इससे सहमत भी होंगे कि आने वाले 1 से 1.5 साल ये अनलॉकडाउन और ये कोरोना हमारा पीछा नहीं कम से कम 2022 चला जाएगा अभी भी अगर आपको सुनाई दे रहा होगा तो अक्टूबर के अंदर डेट दी गई है कि इंडिया के अंदर अक्टूबर के अंदर थर्ड वेव चालू हो जाएगी कई जगह पे तो सेकेंड ही खत्म नहीं हुई है और मेरे ख्याल से कल ही मैंने पढ़ा था इंडिया के अंदर कल में 37,000 नए केस हुए हैं आज मेरे ख्याल से वो फिगर बढ़ चुका है और अगर इसी स्पीड से डेली ये केस बढ़े तो आप समझ लो 10-15 दिन के अंदर जहां जहां पे जिस जिस स्टेट में बढ़ रहे हैं वो लॉकडाउन में चले जाएंगे तमिलनाडु में बढ़ रहे केरला में बढ़ रहे झारखंड में बढ़ रहे उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे और अभी फेस्टिवल सीजन सर पे है तो आज की डेट में थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्या आएगा कुछ पता नहीं है हमारे को कम से कम 6-1.5 साल इसको और झेलना पड़ेगा
बात सही है कि नहीं है? अब जब पिछला लॉकडाउन आया और आज तक बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा चुकी है, आपके कहीं ना कहीं सुनाई दिया होगा, कही की नहीं गई? मैं आपको बताता हूँ, आपसे 3 महीने पहले का डेटा है ये। लोगों की पे कट हो गई, दुकानें बंद हो गई, बिजनेसेस बंद हो गए, छोटे मोटे तो बर्बाद हो गए बेचारे, हुए कि नहीं हुए? अब देखिए, फर्स्ट लॉकडाउन और सेकंड लॉकडाउन में मेन फर्क क्या है आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए। फर्स्ट लॉकडाउन में जितने भी लोग थे उनको सबसे बड़ा एक ही टेंशन था कि मेरी जो जॉब, आज मैं लॉकडाउन में हूँ, अनलॉकडाउन तक बचेगी कि नहीं बचेगी, टेंशन था कि नहीं था? और जिनके बिजनेस बंद पड़े थे लॉकडाउन में, वो ये सोचते थे कि जब ये अनलॉकडाउन होगा तो ये बिजनेस जब दोबारा चालू होगा तो पहले वाले लेवल पे बिजनेस आएगा कि नहीं आएगा। मेन टेंशन पिछले लॉकडाउन में फाइनेंशियल टेंशन ज्यादा थी, जान की टेंशन इतनी नहीं थी, कोरोना से लोग इतना नहीं डर रहे थे, जितना प्रेशर गवर्नमेंट ने बनाया उतना लोगों के ऊपर था नहीं, मानते हैं आप इस बात को? तो आज पिछले लॉकडाउन के अंदर फाइनेंशियल टेंशन एक आम आदमी को थी जो आज तक खत्म नहीं हुई। आज तक लोगों को फाइनेंशियल टेंशन चल रही है कि जॉब का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, रोजी रोटी कैसे चलेगी, ये सब टेंशन आज भी चल रही है कि नहीं चल रही है? ये पिछले लॉकडाउन से स्टार्ट हुई। पिछले लॉकडाउन में कोरोना का डर नहीं था, लोग सोचते थे कोरोना जो है वो सामने वाली गली के लिए है, कोरोना जो है वो अगले मोहल्ले के लिए है, इस शहर के लिए नहीं है, किसी और शहर के लिए, मेरे लिए नहीं है। अब सेकेंड लॉकडाउन में क्या हुआ? सेकेंड लॉकडाउन में आम आदमी के लिए फाइनेंशियल टेंशन आज तक खत्म नहीं हुई, पर इसके साथ में एक टेंशन जुड़ गई, वो जुड़ गई जान की टेंशन। ये साल हर एक आदमी कोरोना से डरा हुआ है कि नहीं डरा हुआ है? यहाँ पे भी सबके सब डरे हुए कि नहीं डरे हुए? यहाँ पे कोई इम्यूनिटी पहलवान बैठा है जो ये बोल सकता है कि मुझे कुछ नहीं होगा? बोल सकता है? आज लास्ट 8 से 10 महीने में हमने अपने सर्कल में, क्लोज सर्कल में लोगों को कोरोना से ऊपर जाते हुए देखा है, एक एक आदमी ने देखा होगा आज बैठा हुआ। आपके सर्कल में किसी न किसी की डेथ हुई कि नहीं हुई कोरोना के पीछे? और वो इस साल में हुई, पिछले साल नहीं हो रही थी, इस साल हुई। और जब अपने सर्कल में लोगों ने डेथ देखी तो वो डर गया। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है वैक्सीनेशन। पिछले साल गवर्नमेंट बोलती थी जाके वैक्सीनेशन करवा लो, कोई जाने को ज्यादातर लोग तैयार नहीं थे, सबके सब सोचते थे कोरोना जा चुका है, अब वैक्सीन क्यों करवानी, और मैंने अगर 7 महीना बिना कोरोना आए हुए झेल लिया है तो बाकी तो मैं देख लूंगा। पर सेकेंड लॉकडाउन आने से पहले ये जो डेथ का सिलसिला चालू हुआ, एक एक आदमी डर गया। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि वैक्सीनेशन के लिए लाइन लग गई, लोग अपने आप पहुंचे, वैक्सीन नहीं है तो भी लोग लाइन में खड़े रहे कि नहीं रहे, इसका यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि एक एक आदमी डर गया। इसमें चाहे अपर मिडिल क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे कोई भी क्लास हो, सबका सब आदमी डर गया। तो आज सबसे बड़ी टेंशन मिडिल क्लास के लिए क्या है? आज अगर वो कोरोना से डर के घर पे बैठ गया ना तो घर नहीं चलेगा, बात सही है? और बाहर निकलेगा तो कोरोना उसका इंतजार कर रहा है। तो आज उसको क्या करना है? उसको घर भी चलाना और कोरोना से भी लड़ना है, और लड़ना एक दो दिन नहीं है, 1-1.5 साल और लड़ना है। तो आज एक मिडिल क्लास आदमी 1.5 साल से परेशान है, 1.5 साल से टेंशन में है, आने वाला 1.5 साल और बाकी है। अब आप सोचो, जिनकी पिछले साल जॉब चली गई वो लोग आज घर कैसे चला रहे होंगे, आप सोच के देखिए। क्योंकि आज अगर उसकी जॉब गई है ना तो मतलब इंडस्ट्री खतरे में है, तभी उसकी जॉब गई है, सालों की जॉब तुरंत गई कोरोना आने के बाद, गई कि नहीं गई? बहुत सारे लोगों की गई। क्यों गई? इसके लिए कि वो इंडस्ट्री खतरे में आ चुकी है जिसमें वो काम करता था। अब अगर इंडस्ट्री खतरे में आ गई तो इसको दोबारा से उसी इंडस्ट्री में जॉब मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। पर घर चलाना है, घर कैसे चला रहा होगा वो सोच के देखिए। आज वो घर ऐसे चला रहा है कि जो सारी जिंदगी इसने पढ़ाई लिखाई करी है, जो डिग्री इसने ली है, और इस जॉब के अंदर जो उसका एक्सपीरियंस था, वो कोरोना आने के बाद जब जॉब गई तो उसका वो चीज पूरा जीरो हो गया, कोई वैल्यू नहीं रखता उसके लिए। अब उसको जो भी काम मिलेगा और उस काम का जितना भी पैसा मिलेगा वो काम करके आज घर चला रहा है। आज उसका डिग्री कोई मायने नहीं रखता, आज उसका एक्सपीरियंस कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि डिग्री और एक्सपीरियंस जिस इंडस्ट्री के लिए उसको था वो इंडस्ट्री खतरे में पड़ी है, तो वहां पे अब दोबारा से जॉब मिलने वाला नहीं। बात सही है कि नहीं है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं रहता हूँ अंधेरी में, और वहां पे एक खाना बनाने वाली लड़की आती है, उसकी उम्र 23 साल है, 23। और पिछले साल उसका बायोडेटा आया था किस चीज के लिए? घर पे खाना बनाने के लिए।
और उसमें लिखा हुआ था कि मैं आपके घर पे दो टाइम खाना बनाने में इंटरेस्टेड हूँ, अगर आपको कोई चाहिए ऐसा को। तो जब उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया ना, तो उसका बायोडाटा जब मैंने देखा तो वो ग्रेजुएट लड़की है, 2 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस, उम्र 23 साल। और जब वो मिलने के लिए आई और उस चीज के लिए मैंने बायोडाटा देखा, तो मैंने उसको पूछा, मैं बोला आप तो यंग भी हो, आप डिग्री होल्डर भी हो और आपको एक्सपीरियंस भी है और एक्सपीरियंस भी सेल्स का है, तो इतना सब होने के बाद आप घर पे खाना बनाने के लिए क्यों अप्लाई कर रहे? तब उसने मेरे को एक बात बोली, बोले सर मेरी जो जॉब थी 35,000 मिलता था, किस चीज में? मुंबई एयरपोर्ट जो डोमेस्टिक टर्मिनल पे एयरपोर्ट है, वहां पे एक शॉप में वो काम करती थी, रिले करके उधर एक शॉप थी। तो शॉप कोरोना के चक्कर में वो एयरपोर्ट बंद हुआ, शॉप बंद हुई, तो ये जॉबलेस हो गई। मैं आपको बताता हूँ, डोमेस्टिक टर्मिनल आज तक नहीं खुला है, जब से कोरोना आया है आज तक बंद है बॉम्बे का डोमेस्टिक टर्मिनल, सिर्फ इंटरनेशनल टर्मिनल में सारी फ्लाइटें उड़ती है। आज डोमेस्टिक टर्मिनल बंद होने से लड़की की जॉब चली गई, 35,000 कमाते कमाते सीधा जीरो के पर आ गई, और आज तक वो खुला नहीं है, तो दोबारा से जॉब मिलेगी नहीं। और घर में वो 35,000 का कंट्रीब्यूशन करती थी, अब अचानक से 35,000 एक घर में आने बंद हो जाए, तो घर में टेंशन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? तो उसका इलाज क्या, कुछ मिल नहीं रहा, तो सबसे सही उसको यही लगा, तो क्यों ना आसपास की जो सोसाइटी है उसमें घर में खाना बनाने का काम किया जाए। तो उसने यही बोला कि सर एक घर से मेरा टारगेट है 8,000 कोई देगा तो मैं 2 टाइम सुबह और शाम को आके खाना बना के जाऊंगी, और ऐसे मेरे को 4 घर मिल गए तो मेरा जो भी कंट्रीब्यूशन था वो पूरा होगा। तो आज उस लड़की का एक्सपीरियंस क्या था, उस लड़की की डिग्री क्या थी, जॉब चली गई, तो आज की डेट में जो काम मिलेगा और जितना पैसा मिलेगा वो करके आज आप एक आम आदमी जिसकी जॉब चली गई वो अपना घर चला रहा है। और 4.5 करोड़ लोग है इंडिया में आज की डेट में, और ये गवर्नमेंट का डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा कभी भी इन चीजों में सही नहीं होता। अब आप सोचो ये लोग जो बेचारे डेली वेजेस पे काम करते हैं, आप ऑटो ड्राइवर देख लो, आप टैक्सी ड्राइवर देख लो, भाजी जो गली गली बेचते हैं, जो सड़क के ऊपर जो लगाते हैं, आपके जितने भी ये दाबेले वाले वड़ा पाव वाले जो सड़क के ऊपर बेचते हैं, ये लोग लॉकडाउन के अंदर किस तरीके से अपना घर चलाते हो सोच के देखिए। आज जो ये गड़बड़ चल रही है ना, 1.5 साल और चढ़ेगी, और हमने जो अब तक गड़बड़ देखी वो एक्चुअल गड़बड़ ही नहीं है। 1.5 साल के बाद सोचो और कितने लोग बेघर हो चुके होंगे, कितने लोगों की जॉब जा चुकी होगी, और इंडिया का क्या हाल होगा आप सोच के देखिए। तो आज सबको फाइनेंशियल टेंशन है कि नहीं है? देखिए आप लोग सब जो बॉम्बे से हैं, इंदौर वाले भी, कहीं अलग स्टोरी नहीं चल रही। कोरोना से पहले अगर 100 दुकानें चालू रहती थी ना, फर्स्ट लॉकडाउन के बाद ही 100 में से 30 दुकानें परमानेंटली बंद होगी जो आज तक नहीं खुली। नजर में है ऐसी दुकानें? अरे है तो यस बोलो, नहीं तो आज 100 में से 30 दुकानें फर्स्ट लॉकडाउन खत्म होने के बाद बंद हो गई। सेकेंड लॉकडाउन के बाद ये जो 70 खुली थी उसमें से भी 10-20 और बंद हो गई और परमानेंटली बंद हो गई। ये भी सही है कि नहीं है? Yes. आप लोग शॉपिंग मॉल जाते कि नहीं जाते? Yes. जाते है ना, सारी की सारी दुकानें खुली है 2019 में जितनी खुली थी? Yes. 50% दुकानें बंद पड़ी है और ब्रांडेड शोरूम बंद पड़े हैं। आप होटलों का हाल देख लो, बॉम्बे में हयात रीजेंसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल चेन है वो, उसने तक 5 महीने पहले हयात रीजेंसी बंद कर दिया, बोले नहीं चलाया जा रहा, इतना घाटा आप नहीं सह सकते, इतना हो गया सहते सहते, अब नहीं। 2,500 लोग उस होटल में रातों रात बेघर हो गए, रातों रात उनकी जॉब चली गई। अब आप मेरे को बताओ जो हयात रीजेंसी में काम करता है उसको किसी दूसरे होटल में काम मिलेगा क्या? उस होटल में पहले से 50% निकाल के बैठे हुए वो लोग, वहां पे नए आदमी को कहां से रखे, उनके खुद के आदमी वही वहां पे नहीं, वो उनको पकड़ दे पा रहे, उनको निकाल दिया। आज ये जो होटल इंडस्ट्री वाला है इसको कहां मिलेगी जॉब, आप मेरे को बताओ? आज उसको जो भी काम मिल रहा है, जहां भी मिल रहा है और जो भी मिल रहा है वो करके घर चला रहा है। अच्छा वाला घर चलते चलते इतना टेंशन में आदमी आ गया। और ये जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, ये बेचारे तो बर्बाद हो गए। आज फर्स्ट लॉकडाउन में इन्होंने जो भी पैसा कमा के रखा हुआ था, बहुत सारे बिजनेसमैनों का पैसा खत्म हो गया। किस चक्कर में? 7 महीना जो पिछले साल लॉकडाउन चला है उसके अंदर उन्होंने किराया भरा है, 1 रुपए की आमदनी नहीं दी, पर जो जो खर्चे थे सारे उठाए, जिसमें अपने लोगों की सैलरी भी दी उन्होंने। तो ये 7 महीने में उनका कमाया हुआ बहुत सारा पैसा चला गया इसको मेंटेन करने में। किस उम्मीद में?
कि जब लॉकडाउन आएगा फिर से खोलेंगे और उसके बाद फिर से पुराने वाले लेवल पे जाएंगे, तो ये जितना आप जा रहे हैं इसको वापस लेके आ जाएंगे। इसी उम्मीद में उन्होंने उसको खोला और उसके टर्नओवर के वो आधे रास्ते नहीं पहुंचा था, उससे पहले सेकेंड लॉकडाउन आ गया। अब अगर इसको सेकेंड लॉकडाउन के बाद खोलना है तो कर्जा लेके खोलना पड़ेगा, क्योंकि सेविंग तो पहले वाला लॉकडाउन लेके चला गया। अब ये कर्जा नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि थर्ड लॉकडाउन खड़ा है। आज कर्जा लेके चालू करेगा, दो महीने के बाद फिर लॉकडाउन आ जाएगा, तो पता चलेगा डबल कर्जे में आ गया। तो आज की डेट में इसके लिए दुकानें बंद है, बहुत सारे होटल्स बंद हो गए और एक एक इंडस्ट्री आज खतरे में है। मैं आपको बताता हूँ, 100 में से कोरोना आने से पहले जितनी भी इंडस्ट्री इंडिया में काम करती थी 90% इंडस्ट्री आज लॉस के अंदर है। 90% इंडस्ट्री, मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ, मैकडोनल्ड, किंगफिशर सब बंद पड़े, फ्लाइटें आधी उड़ रही हैं। ये जो आधी फ्लाइटें उड़ रही है, जो नहीं उड़ रही है वो बेचारे एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ सबकी छुट्टी हो चुकी है। इन लोगों को जो काम मिल रहा है, घर पे खाना बनाने का काम, ये काम कहां पे, वो क्या काम करते तो आज वो क्या काम कर रहे, सोच के देखिए। आज एक मिडिल क्लास आदमी खतरे में है कि नहीं है? है कि नहीं है? छोटा बिजनेसमैन खत्म हो गया, बड़े बड़ों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार से और गवर्नमेंट से लोन मिल जाएगा, 1.5 साल आराम से निकाल लेंगे आने वाले, और हजारों करोड़ों रुपए कर्जा लेके ही अपना घर चला लेंगे। पर ये जो बीच का बिजनेसमैन है, जो नीचे का बिजनेसमैन है, ये लोग बर्बाद हो गए। आज धंधा भी बंद हो गया, कर्जदार भी बन के बैठे हुए, ये हकीकत है। और पिछले साल से इस साल में महंगाई में फर्क है कि नहीं है? महंगाई में फर्क है कि नहीं है? पेट्रोल 6 रुपए हो चुका है, ये आपकी गाड़ी के लिए अकेले के लिए नहीं हुआ है, आपके घर में जो तेल आता है ना उसके लिए भी आपको वो तेल महंगा हो गया। आपके घर में जितना भी सामान आता है ये सब ट्रकों में और ट्रेन के अंदर आता है, तो वहां पे भी ये सब रेट बढ़ गए, तो वहां का भी हर एक चीज जो बढ़ा है वो एक आम आदमी के ऊपर बोझ दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एक तो जॉब का खतरा, महंगाई बढ़ रही है, सरकार के पास भी ज्यादा पैसा नहीं है, इसके लिए एयर इंडिया भेजा जा रहा है, इसके लिए एयरपोर्ट तक भेजवा रहे। आप देखो 60% एयरपोर्ट एक प्राइवेट कंपनी को दे दिए उन लोगों ने, क्यों? पैसा चाहिए। एयर इंडिया क्यों भेजना? आप लॉस नहीं उठा सकते, बेच के जो भी मिलता है उसको लेके अंदर लो, क्योंकि सरकार के पास भी पैसा नहीं है। आज सरकार के पास पैसा नहीं है, आम आदमी खतरे में घूम रहा है, बड़ा बिजनेसमैन टेंशन में घूम रहा है। तो आने वाला 1.5 साल पड़ा है, अभी 1.5 साल भी और देखना है, 1.5 साल के बाद क्या हालत होगी आप सोच के देखो, कितना बड़ा गड़बड़ चल रहा है। और ये जो 90% इंडस्ट्री जो आज लॉस में चल रही है, सिर्फ 10% इंडस्ट्री आप उंगली में गिन सकते हैं कि लास्ट 1.5 साल के अंदर 10% ही इंडस्ट्री है जो ऐसे गड़बड़ मालूम है, जो ग्रोथ में गई है, प्रॉफिट में गई है। तो ऐसी 10% इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया इंडस्ट्री है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जो ग्रोथ में गई है लास्ट ईयर। अगर आपके पायलट की बात बताऊं, कोरोना आने से पहले हाईएस्ट टर्नओवर 7 सालों में जो मैनेजमेंट ने, ये माइलस्टाइल के अंदर जो हाईएस्ट टर्नओवर हुआ था उसका रिकॉर्ड पिछले वाले फर्स्ट अनलॉकडाउन में टूटा है। हाईएस्ट टर्नओवर फर्स्ट अनलॉकडाउन में हुआ है, जब सब तरफ इंडस्ट्री घाटे में चली थी, वही माइलस्टाइल ने अपने 7.5 साल का टर्नओवर का रिकॉर्ड तोड़ा पिछले साल। डिस्ट्रीब्यूटर लीडर ही तो देते देते कि नहीं देते? आज देखिए ये 1.5 सालों में और मंथ 105 में और पिछले साल भी बहुत सारे लोग होंगे जो ये बोल रहे होंगे, हमारे जिंदगी में जितना टर्नओवर माइलस्टाइल में नहीं किया 7 सालों में, हमने इस साल किया है। बहुत सारे लोग मिलेंगे, क्योंकि कंपनी का अगर टर्नओवर का रिकॉर्ड टूटता है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं लीडरों के और डिस्ट्रीब्यूटर के भी कैरियर के रिकॉर्ड टूटे हैं, तब जाके कंपनी का रिकॉर्ड टूटता है। आज बहुत सारे लोग हैं ऐसी हालातों में, ऐसी लॉकडाउन में, सब चीज सेम है, एक ऐसे लोग हैं माइलस्टाइल में जो कैरियर का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं।
और ऐसी हालातों में एक ऐसे लोग हैं जो माइलेस्टेल में आने के बाद भी रोते हुए घूम रहे कि मेरा बिजनेस सही से नहीं चल रहा, बहाने दे रहे। बात सही है कि नहीं है? हालात दोनों के लिए सेम है। एक आदमी रिकॉर्ड तोड़ रहा है, दूसरा आदमी रोता हुआ घूम रहा है माइलेस्टेल के अंदर ही, सेम हालातों में। पर खतरा दोनों को बराबर है कि नहीं है आज कोरोना का? तो यहाँ पे जितने भी पार्ट टाइम बैठे हुए हैं ना, कल तक आपने माइलेस्टेल को कैसे किया मेरे को पता नहीं है, पर अगर वाकई फैमिली से प्यार करते हो ना, तो यहाँ से निकलने के बाद, मैं बोलता हूँ यहाँ से निकलने के बाद ही नहीं, आज से और कल से माइलेस्टेल को आपने ऑप्शन समझ के किया है ना, समझदारी इस चीज में है कि कल से आप इसको जरूरत समझ के करना। जब सीनियर बुलाया करता था, आजा 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 तेरी जिंदगी बन जाएगी, आज भी बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती बुलाया गया होगा, आजा आजा, अगर तू ये दो दिन नहीं आया तो परसों से हम नहीं आएंगे। बहुत सारे इधर से आए होंगे। बात सही है कि नहीं है? मैं बताता हूँ, वो जमाना चला गया। आज मिडिल क्लास आदमी को फाइनेंशियल बैकअप चाहिए, कोरोना आने से पहले नहीं चाहिए था। फाइनेंशियल बैकअप क्या होता है? जैसे आपका हेल्थ का बैकअप है कि नहीं है? आप लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियां करवाते कि नहीं करवाते? इसके लिए करवाते, ऊपर जाने के लिए कोई नहीं करवाता, सिर्फ इसके लिए कि जिस दिन जाएगा कम से कम इंश्योरेंस कंपनी इतना पैसा दे दे कि मेरे घर वाले कुछ प्लानिंग करके उस पैसे से आगे का काम चला ले। इसी के लिए तो करवाया जाता है ना। मेडिक्लेम पॉलिसी आप लोग क्यों करवाते हो? बीमारी बुलाने के लिए, अस्पताल में एडमिट होने के लिए नहीं। पर कभी भगवान ना करे आने वाले टाइम में मुझे कुछ ऐसा हो गया और कोई बड़ा हॉस्पिटल का बिल आया, तो मेरी सेविंग बची रहे और इंश्योरेंस कंपनी इसका पैसा दे। इसी के लिए करवाते कि नहीं करवाते? तो ये आपका क्या है? हेल्थ का बैकअप। वो हेल्थ का बैकअप तो आज भी चाहिए, पर कोरोना आने के बाद एक एक आदमी को फाइनेंशियल बैकअप आज चाहिए, और मिडिल क्लास को तो फाइनेंशियल बैकअप चाहिए ही चाहिए। अब ये फाइनेंशियल बैकअप क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जितने भी पार्ट टाइम कर रहे या जो माइलेस्टाइल कर रहे, पर रोते धोते हुए कर रहे, बहाने देते हुए कर रहे, ये लोग आज शाम को जब सारे काम खत्म हो जाए, जब डीजे में नाच नाच के पैर टूट जाए, अब उसके बाद आप सोचो आप बहुत हो गया, आप जाके सोना है, तो जब सोने की बारी आए ना, तो सिर्फ 15 मिनट इस चीज के लिए सोचना कि आज मैं अगर पार्ट टाइम कर रहा हूं तो इसका मतलब है बाहर मेरा कहीं ना कहीं जॉब चल रहा है या कोई ना कोई बिजनेस चल रहा है, तभी मैं आज पार्ट टाइम माइलेस्टाइल कर रहा हूँ। बात सही है कि नहीं है? तो आप सिर्फ इतना ही सोचिएगा 15 मिनट कि अगर भगवान ना करे आने वाले 1.5 सालों में, ये जो गड़बड़ मैंने 1.5 साल से देख ली, भगवान ना करे आने वाले 1.5 साल में मेरी जॉब को अगर कुछ हो गया या जो बिजनेस मेरा चल रहा है अगर इसको कुछ हो गया, तो मेरा फाइनेंशियल बैकअप क्या है अपना घर चलाने के लिए? सोच के देखिएगा 15 मिनट। अगर आप जॉब कर रहे जिस सेक्टर में भी कर रहे, अगर वहां पे आपकी जॉब को खतरा आ गया, तो समझ लो वो सेक्टर ही खतरे में है, तभी आपकी जॉब गई है इतने सालों की। अब अगर वो सेक्टर ही खतरे में आ गया, तो आपका एक्सपीरियंस और आपका जो डिग्री है ना, उस सेक्टर का कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे आपको दूसरी कंपनी में भी जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरा सेक्टर ही खतरे में है, फिर कैसे घर चलाओगे? आज आपका अगर जो बिजनेस चल रहा है, कल को भगवान ना करे बंद हो गया, तो आप दोबारा खड़ा कर सकते क्या उसको? थर्ड फोर्थ लॉकडाउन सामने दिखेगा, वहीं बोलेंगे बंद हो गया भाई, अब करेंगे क्या, फैमिली कैसे चलेगी, वो सोचना 15 मिनट। आपका फाइनेंशियल बैकअप क्या है? देखिए, ये जो बैकअप की मैं बात कर रहा हूँ ना, कोरोना आने से पहले किसी को भी नहीं चाहिए था। कोरोना आने से पहले अगर किसी की भी जॉब जाती थी, उसको 5 जॉब उसी की इंडस्ट्री में मिल जाती थी। मिलती थी कि नहीं मिलती थी? yes. पर कोरोना आने के बाद जब इंडस्ट्री खतरे में आ चुकी है और जॉब चली गई, अब उस इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिलेगी। पर अब घर चलाना है तो जो काम मिलेगा, जो बिना एक्सपीरियंस के भी काम होगा, पर दो पैसा मिल रहा है तो घर चलाने के लिए करना पड़ेगा, वो दिन देखने पड़ रहे हैं। आप सोचिए, 15 मिनट सोच के देखिए आपका फाइनेंशियल बैकअप क्या है। मैं ये नहीं बोलता आपके साथ वो होगा, पर समझदारी इस चीज में है कि उसकी तैयारी करके रखनी पड़ेगी, भले वो नहीं हो। आज मेडिक्लेम लाइफ इंश्योरेंस ये सबसे बड़ा प्रूफ है। हम चाहते नहीं कि ये सब हमारे साथ हो, पर बैकअप रखते कि नहीं रखते? आज आप ये नहीं चाहते हो ये दिन मैं देखूं, मेरी फैमिली देखे, पर कल को अगर ऐसा आया तो आपका फैमिली के लिए फाइनेंशियल बैकअप प्लान क्या है, आपके पास क्या रास्ते हैं, इस बारे में 15 मिनट सोचना। और मैं आपको बोलता हूँ, आप 15 मिनट मत सोचना, सारी रात सोच लेना, आपके पास कोई रास्ता नहीं आएगा। आपको कोई नया बिजनेस खोलने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसका एक्सपीरियंस नहीं है ना, आपके पास पैसा है,
आज एक्सपीरियंस भी नहीं है। आज आप 15 मिनट नहीं सारी रात सोचिए, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा। हालात वही हो जाएगी जो उस लड़की के हुए जिसका मैंने एग्जांपल दिया। आज वो काम करना पड़ेगा जो हमने आज तक सोचा नहीं था कि करना भी पड़ेगा फैमिली चलाने के लिए, वो दिन आ जाएंगे। तो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, आप कम से कम अपनी फैमिली से प्यार करते हो और आप अपनी फैमिली के मेन आदमी हो, तो कम से कम ये सोचिएगा कि आने वाले 1-1.5 साल में, आने वाले 2 महीने में, अगले महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आया कि जो आज मैं जिस तरीके से पैसा कमा रहा हूं, अगर इस जरिए को खतरे में आ गया और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जिंदगी कैसे निकालूंगा और मेरी फैमिली को कैसे सपोर्ट दूंगा। सोच के देखिएगा, आपको कोई रास्ता नहीं आएगा, आपको कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। और अगर ऐसा सीन आए ना तो मैं आपको बताता हूँ, आपको पसीने भी आ सकते हैं। और अगर आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा तो आज तक इसने, आपने इसको माइलस्टाइल को ऑप्शन समझ के किया है, पर कल से इसको जरूरत समझ के करना ही पड़ेगा अगर फाइनेंशियल बैकअप चाहिए। और हर समझदार आदमी को, अगर वो मिडिल क्लास है, तो आज उसको फाइनेंशियल बैकअप की जरूरत है। मानते हैं आप इस बात को? तो कल तक इसको ऑप्शन समझ के किया चलेगा, और कल से इसको जरूरत समझ के करोगे तो आज, मतलब कभी भी आने वाले टाइम में अगर आपका कोई भी फाइनेंशियल बैकअप है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें आप आए हुए हो, बाकी आपके पास कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? Yes. आप सोच के देखना सारी रात, जब जवाब नहीं आएगा तो आपके पास एक ही चीज है जिसमें आप आए हुए हो। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, लाइफ में कोई भी काम बिना कारण के नहीं होता, होता है क्या? हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और इस कारण के पीछे जो हाथ होता है वो भगवान का होता है। तो आज आपने कोई जिंदगी में अच्छे कर्म किए थे कि ऐसे टाइम में आपको डायरेक्ट सेलिंग में भगवान ने भेजा है, और अगर अच्छे कर्म किए थे तो हाथ आप ताली बजा सकते हैं। आप माइलस्टाइल के अंदर भी सबसे बढ़िया टीम फोर्स के अंदर आ गए। लाइफ में कोई भी काम बिना कारण नहीं होता, कहीं ना कहीं इसके बीच ऊपर वाले का हाथ है। तो ऊपर वाले ने आपको डायरेक्ट सेलिंग में भेजा है, ऐसे टाइम में भेजा है, माइलस्टाइल में भेजा है, टीम फोर्स में भेजा है। भले आज आप इस हॉल में जबरदस्ती आए, पर इसके बीच में ऊपर वाले का हाथ है कि आपको जबरदस्ती हॉल तक पहुंचा दिया। अब आप कितनी खूबसूरत इंडस्ट्री में है, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, और क्यों आप लोग लकी हो वो भी समझ में आ जाएगा। आप समझ लीजिए किसी की जॉब गई बाहर, या किसी घर में एक ऐसा सदस्य देखिए, आज की डेट में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम इतना है कि दूसरे के साथ हो रहा है इसलिए हम अपना टेंशन नहीं लेते, और आप सोचिए अगर इसकी जगह पर मैं होता तो क्या होता, तब आपको पता चलेगा कितनी गड़बड़ चल रही है। आज समझ लीजिए घर में 5 आदमी की फैमिली है, 3 आदमी कमा रहे थे, एक की भी जॉब चली गई तो बाकी की जितने 4 है सबके ऊपर प्रेशर आता है कि नहीं आता है? तो आज वो जो जिसकी भी जॉब गई है, घर का बजट हिल गया, तो चारों को बोला जा रहा है कि अब तुम जो काम नहीं कर रहे थे, 2 आदमी इनको भी बोला जाता है कि तू जाके कुछ ना कुछ 2-4 हजार कमा के ले गया, तब जाके घर के अंदर पुराने बजट के हिसाब से गुजारा होगा, ये हालात है। तो आप मेरे को बताइए, आज किसी की जॉब चली गई, या किसी को पार्ट टाइम ही अपने घर में फैमिली देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, जो पहले जरूरत नहीं थी पर आज जरूरत पड़ रही है इसको,
ऐसे आदमी को बाहर पार्ट टाइम क्या मिलेगा आप मेरे को बताओ? कोई पार्ट टाइम कुछ नहीं मिलने वाला जिसकी जॉब चली गई। आप लोग बैठ जाओ सर, आप लोग हिलते हो ना, मैं ही हिल जाऊ। ब्रेक 12:30 के बाद, 12 बजे ना, 12 बजे ना। बारह बजे टी मिलेगी, सुनाई दिया क्या? ऐसे क्या गुरु गुरु के देख रहे? 12 बजे देखिए, आज अगर किसी की जॉब गई तो उसको वो काम करना पड़ेगा जो उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा, दो पैसे तो कमाने पड़ेंगे, खुदकुशी तो करनी है, घर तो चलाना है। तो आज वो काम करते थे जो घर चला रहे। ऐसा आदमी अगर आज डायरेक्ट सेलिंग में आएगा, अगर इस आदमी की जेब में आज पैसा नहीं भी होगा तो भी माइलस्टाइल में आके बिजनेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? मैं आपको समझाता हूँ कैसे कर सकता है। समझ लीजिए, एक आदमी है, जॉब जा चुकी है और घर चला रहा है। घर चलाने में जो जो सामान वो आज लेके आ रहा है उसमें से अगर कुछ भी सामान माइलस्टाइल में मिलेगा तो खरीदारी करके माइलस्टाइल के बिजनेस में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आज आदमी के पास खर्चा करने के लिए फालतू पैसा नहीं है, पर अगर आज घर चलाने के लिए पैसा कमा रहा है तो माइलस्टाइल में आएगा। और अगर दिल से काम करेगा, क्योंकि अब जो आएगा और इस टाइप का जो आएगा वो घर पे सपोर्ट देने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में आ रहा है। तो अब जो आएगा एक महीने में काम करेगा तो घर में सपोर्ट देने लायक डायरेक्ट सेलिंग और माइलेज सेल से पैसा कमा सकता है कि नहीं कमा सकता है? Yes. कमा सकता है। जेब में पैसा नहीं है पर फिर भी डायरेक्ट सेलिंग में आ सकता है, बिजनेस चालू कर सकता है। अगर यही वाला आदमी, अगर इसको जीरो एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का, आज तक कभी भी नहीं की पर आज जॉब जा चुकी है, तो आज अगर इधर आएगा तो कोई एक्सपीरियंस मांगता है कि डायरेक्ट सेलिंग का? नहीं मांगता है। आज अगर वो आके यहाँ पे जिसके भी थ्रू ज्वाइन करेगा उस आदमी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का। उसको अगर कम है तो उसका सीनियर एक और है, उसको उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसका सीनियर उससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाला है। तो कहीं ना कहीं ऊपर से लेके नीचे तक हर नए आदमी को जो काम करना चाहता है, सीनियर से टॉप मोस्ट सीनियर से लेके नीचे तक का डिस्ट्रीब्यूटर भी सपोर्ट देने के लिए तैयार रहता है कि नहीं रहता है? Yes. तो उसको इतना ही बोलते हैं, तेरे को एक्सपीरियंस नहीं है तो भूल जा, हम जितना बोलते उतना ही कर। अगर उस आदमी ने जैसे बताया गया वैसे किया तो एक महीने के अंदर घर चलाने लायक पैसा कमा सकता है कि नहीं कमा सकता? एक्सपीरियंस नहीं है पर आएगा इधर, दिल होगा और जैसे बताया गया वैसा करेगा तो आज वो इधर पैसा कमा सकता है। अगर आज सामने वाला अनपढ़ आदमी है तो यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट मांगा जाता है ज्वाइनिंग करवाने के लिए? अनपढ़ आदमी है, आज घर पे घर चलाना है, जॉब जा चुकी है, धंधा बंद हो चुका है। अगर वो आज यहाँ पे आके काम करना चाहेगा तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और माई लाइफ स्टाइल उसका वेलकम करेगी। बात सही है कि नहीं है? Yes. और जैसे मैंने आपको बताया, आज बहुत सारी फैमिली है जिसके अंदर 18-20 साल के बच्चों को भी बोला जा रहा है कि अब तक तो तुम पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई तो करो ही करो, साथ में दो पैसा और घर पे लेके आने के लिए कुछ ना कुछ पार्ट टाइम करके आओ। आज 18-20 साल वालों को जिनको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, बाहर कौन सा पार्ट टाइम मिलने वाला है? अगर यही टाइप के लोग माइलेज स्टाइल में आएंगे और जैसे बताया जाएगा वैसे करेंगे तो एक महीने में सपोर्ट देने लायक पैसा कमा सकते कि नहीं कमा सकते? Yes. आज यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अनपढ़ है वो भी वेलकम है, पढ़ा लिखा है वो भी वेलकम है, 18-20 साल का भी वेलकम है, और कोई 70 साल का जो रिटायरमेंट की जी रहा था कोरोना आने के बाद, कई फैमिली में किसी जॉब चलेगी तो आज इसके ऊपर भी प्रेशर है कि 70 साल की उम्र में भी जो काम कर सकते हो करके दो पैसा लेके आओ तो आज घर चलेगा बराबर से। आज 70 साल का आदमी, 65 साल का आदमी, 60 साल का आदमी आज मजबूरी के पीछे बाहर काम मांगने गया पार्ट टाइम भी, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा पर डायरेक्ट सेलिंग में आएगा तो वो भी जैसा बताया जाएगा करेगा तो वो भी घर पे सपोर्ट देने लायक पैसा कमा सकता है। मानते हैं आप इस बात को? Yes. मानते हैं? Yes. तो 90% इंडस्ट्री तो लॉस में चल रही है, 10% जो प्रॉफिट में चल रही है, इस 10% में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो ये चारों चीजें एक आम आदमी के लिए बोलता है तेरे लिए कोई मायने नहीं रखती? जैसे नौकरी चलेगी कौन सी इंडस्ट्री बोलेगी उसको कि तू आ जा, तेरे पास पैसा नहीं है, बिजनेस चालू कर ले हमारे साथ में? कौन सी इंडस्ट्री आप बताओ? एक आदमी की जॉब जा चुकी है, अगर आज वो अनपढ़ है, एक आदमी का बिजनेस बंद हो चुका है, अनपढ़ है, कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है जो बोलेगा तू अनपढ़ है तू आ जा तू वेलकम है? कौन सा ऐसा इंडस्ट्री जो 18 साल का एक बच्चा है जिसको कोई एक्सपीरियंस, उसको बोलेगा तू आ जा इधर काम कर हम तेरे को सपोर्ट देंगे? कौन सी ऐसी इंडस्ट्री बताओ? नहीं।
माई लाइफ स्टाइल ही डायरेक्ट सेलिंग है, इसके अलावा कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो एक आम आदमी, जो हर एक आदमी आज मिडिल क्लास आदमी जो खतरे में घूम रहा है, उसका बैकअप सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में है और कोई बैकअप नहीं है उसके पास। और आपने अच्छे कर्म किए कि आप लोग माई लाइफ स्टाइल में आ चुके, इसके लिए बोल रहा हूँ, अपने लिए ताली बजाओ और ऊपर वाले अपने आज 15 मिनट अपने फैमिली के लिए टाइम निकालना भूलना मत। Yes. रात को सिर्फ इतना ही सोचना, भगवान ना करे कल को मेरी जॉब को कुछ हो गया तो मेरा आज बैकअप प्लान क्या है मेरी फैमिली के लिए। और इस हॉल के अंदर बहुत सारे लोग होंगे जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, वो ये सोच रहे होंगे 1.5 साल तो निकल गया मेरी जॉब को, 1.5 साल से तो मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरे बिजनेस को कुछ नहीं होगा, 1.5 साल छोड़ो 15 साल तक नहीं होगा, और मेरी जॉब तो सरकारी जॉब है, मेरी जॉब तो प्राइवेट जॉब है, और मेरा तो सेट बहुत बिल्कुल खास है, मेरी जॉब को कुछ नहीं होगा। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ जो ये सोच रहे कि मेरे काम धंधे को कुछ नहीं होगा। आज वो खुद आदमी खतरे में है कि नहीं है? आदमी खुद खतरे में है। और मैं 8 महीने से यही देख रहा हूँ, बड़े बड़े नेता चले गए ऊपर कोरोना के चक्कर में, सुनाई दिया कि नहीं दिया? एमपी एमएलए सब चले गए ऊपर, बहुत सारे गए। अब आप बताओ इस टाइप के लोगों को कोई पैसे की कमी थी क्या? कोई मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल अटेंशन के लिए, कोई अस्पताल की, कोई ऑक्सीजन की, कोई किसी भी चीज की कमी थी क्या? तो सारी चीज होते हुए भी ये ऊपर चला गया। किस वजह से? कोरोना की वजह से। सेलिब्रिटी भी आपने सुने कि नहीं सुने, कोरोना की वजह से ऊपर चले गए। बिजनेसमैन आपने सुने जिनके पास ना पैसे की कमी है ना किसी चीज की कमी है, पर फिर भी ऊपर चला गया। आज जिनके पास सब कुछ था उनमें से वो कुछ लोग ऊपर चले गए, तो आज मैं मिडिल क्लास होके किस हवा में घूम रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा? आपके पास उनके बराबर पैसा भी नहीं है, आपके पास उतनी बड़ी अप्रोच भी नहीं है कि आज कुछ भी हो जाए तो मेरे को हॉस्पिटल बेड भी मिल जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा, फिर भी मैं सोच रहा हूँ मुझे कुछ नहीं होगा। अगर आपके काम धंधे को कुछ नहीं हुआ पर आप तो खतरे में हो, अगर आप ही ऊपर चले गए वो जॉब रहेगी क्या जिसके ऊपर आप घमंड करके घूम रहे? 15 साल तक जॉब कहीं नहीं जाएगी, 10 साल तक जॉब कहीं नहीं जाएगी, मेरी जॉब को कुछ नहीं होगा। अगर तेरे को ही कुछ हो गया तो जॉब नहीं रहेगी, तेरे को ही कुछ हो गया तो तेरा जो धंधा चल रहा है वो बंद हो जाएगा, और ये दोनों काम बंद हो गए तो मेरी फैमिली सड़क पे आएगी कि नहीं आएगी? अरे आएगी कि नहीं आएगी? आज बड़े बड़े लोग ऊपर चले गए सब कुछ होते हुए भी, उनके पास तो पैसा था, उनकी फैमिली आराम से अपना घर चला लेगी, हमारी फैमिली का क्या होगा वो सोचो। आज मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को कौन देखेगा? मेरी जॉब भी जा चुकी है, मेरे जाने के बाद मेरी जॉब किस काम की है? और अगर आज मुझे कुछ नहीं होगा तो मेरी जॉब खतरे में है। और जो ये सोचता है कि मुझे भी कुछ नहीं होगा और मेरी जॉब या मेरे बिजनेस को भी कुछ नहीं होगा, उससे बड़ा कोई मूर्ख धरती पे घूम ही नहीं रहा आज की डेट में। बात सही है कि नहीं है? आज मिडिल क्लास में है हम लोग, अपनी फैमिली खुद ही संभालनी पड़ेगी। हमारी फैमिली को देखने वाला अपना रिश्तेदार भी नहीं आने वाला जब तकलीफ होती है, और ऐसे माहौल में तो सबको अपनी पड़ी हुई है, कौन किसको हेल्प करने जाएगा? उसके खुद के बांधे हुए। बात सही है कि नहीं है? Yes. फैमिली आपकी खुद की है कि नहीं है? रिस्पॉन्सिबिलिटी Yes. भी आपकी है। समझदारी इसी चीज में है कि फाइनेंशियल बैकअप रेडी रखो, भगवान ना करे इस हॉल में किसी के साथ भी वो दिन आए। और समझदारी इस चीज में है कि अगर भगवान ने यहाँ पे भेजा तो इसके पीछे यही कारण भी हो सकता है। कल से इसको मेरे को जरूरत समझ के करना, और जरूरत समझ के जो करना है मैं आज के बाद से इसको कंपनी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आज के बाद से इंडस्ट्री के लिए भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आज के बाद से सीनियर लीडर के लिए भी नहीं कर रहा हूँ, आज के बाद से करूंगा मेरे लिए करूंगा और मेरी फैमिली की सेफ्टी के लिए करूंगा। आपको मेरी बातें बुरी लगेगी, कुछ कड़वी भी लगेगी, पर हकीकत यही है, हमने खुद ने अपनी आंखों से लोगों को बर्बाद होते हुए देखा, फैमिली सड़क पे आ चुकी है, अपने सर्कल में देखा, अपने लोगों में देखा, तो ऐसे देखने के बाद मैं कैसे पहलवान बन के घूम सकता कि मुझे कुछ नहीं होगा और मेरी जॉब को कुछ नहीं होगा? और मैं बताता हूँ जिन लोगों को ये है कि मेरे पास 5-10 लाख रुपए बैंक में पड़े हैं, आज आपका बैंक बैलेंस भी खतरे में है, आज घर में 1 कोरोना केस हो गया ना और अस्पताल पहुंचाने की नौबत आ गई, तो समझ लेना ये आदमी वापिस आएगा कि नहीं आएगा अस्पताल से, उसकी गारंटी नहीं है, पर डॉक्टर और कोरोना मिलके 5-7 लाख रुपए आपसे ले लेंगे, ये बात की गारंटी है, और ये भी हमने देखा हुआ है। मेरा एक दोस्त
पर्सनल दोस्त, माई लाइफस्टाइल से कोई लेना देना नहीं। 12 लाख रुपए उसने अपने घर में अपने बड़े भाई के ऊपर खर्चा किया कोरोना के चक्कर में, भाई वापिस नहीं आया। 12 लाख रुपए चले गए, उसकी पूरी जिंदगी की कमाई निकल गई उधर, और वो आदमी भी नहीं बचा पाया। आज हमारा बैंक बैलेंस भी खतरे में है, हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और इतना घिरे होने के बाद भी अगर मैं आंख बंद करके इस इंडस्ट्री को ऐसी बहाने देता हुआ घूम रहा हूं, तो फैमिली तो आपकी है, मत करो इसमें काम, और फैमिली तो आप ही की रहेगी, प्रॉब्लम तो आपको ही आएगी, और आएगी तो आपके पास जवाब क्या है? जिन लोगों के पास जॉब नहीं है और डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, उनके पास आज एक ऑप्शन है, यहां पे आएगा एक फाइनेंशियल बैकअप तैयार कर सकता है। पर जो लोग ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग में और माई लाइफ स्टाइल में है, वो लोग आग बंद करके बैठे तो इनका क्या होगा वो सोचिए। माई लाइफ स्टाइल तो कर रहे पर बहाने देते हुए कर रहे, और उसी माई लाइफ स्टाइल में जो ये बहाने दे रहे, सामने वाला रिकॉर्ड को इग्नोर कर रहा है। बहाने देने का टाइम चला गया। कोरोना से पहले आपके पास बहुत ऑप्शन थे लाइफ में फाइनेंशियल बैकअप करने के लिए, आज के डेट में कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए बोला आज रात को 15 मिनट अपनी फैमिली के लिए निकालना, और अगर कोई जवाब नहीं आया तो कल से बिना बताए अपनी फैमिली के लिए इस बिजनेस को जरूरत समझ के करना। कल एक पार्ट टाइम करो, 2 घंटे के लिए करो, पर दिल से करना। इंडस्ट्री है और इसी के लिए भगवान ने मेरे को यहाँ पे भेजा हुआ है। बात सही है कि नहीं है? yes. कल से इसको जरूरत समझ के करेंगे। yes. अपलाइन का फोन आएगा, फोन नहीं उठाएंगे, उठाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे नहीं होता सर, इतना टाइम नहीं है, सब बंद, अपनी फैमिली के लिए करना है। अपलाइन को कुछ नहीं पड़ेगी, मैं बताता हूँ, आप 4 फोन मत उठाओ, आपको फोन नहीं करेगा, कंपनी को कुछ नहीं पड़ी, आप मत काम करो, आपके जैसे 10 आ जाएंगे जिनको जरूरत है वो काम करेंगे, कंपनी का टर्नओवर आता रहेगा, अपलाइन की इनकम आती रहेगी। अगर कोई खड्डे में घुसेगा तो मैं घुसूंगा और मेरी फैमिली घुसेगी। इस इंडस्ट्री में आने के बाद, कंपनी में आने के बाद, मेरे ही मोहल्ले में, मेरे ही शहर में एक आदमी इतना जबरदस्त माई लाइफ स्टाइल का बिजनेस करता है और मैं यहाँ पे रोता हुआ बैठा हुआ हूँ, तो नुकसान किसका है? खतरे में किसकी फैमिली है? वो सोच के इस बिजनेस को करना है। करेंगे? yes. करेंगे? yes. फैमिली आपकी है, भूलना मत, कोई नहीं आने वाला, ना कंपनी आएगी, ना अपलाइन आएगा, ना रिश्तेदार आएंगे, ना पड़ोसी आएंगे, ना दोस्त आएंगे, मेरी फैमिली को खुद ही अपना कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, या मेरे को ही कोई ना कोई रास्ता अपने लिए फैमिली के लिए निकालना पड़ेगा। वो दिन आए उससे अच्छा है कल से इसको जरूरत समझ के करना, भगवान ना करे वो दिन किसी के साथ आए, और समझदारी है कि तैयारी अभी से करके रखनी पड़ेगी। करेंगे? अभी टी ब्रेक में 20 मिनट है, रेडी है सर, ब्रेक दे दिया जाए? ऐसे क्या गुरु गुरु देख रहे तुम लोग, मेरा ब्रेक थोड़ी है, चाय पीने के लिए तैयार है? अब मैं आपको बोलता हूँ, चाय पीते पीते भी इस बात पे ही सोचना, मेरा बैकअप क्या है? कंपनी बैकअप नहीं है, मेरा बैकअप मैं ही हूँ और मेरी फैमिली मेरी है। और एक सर तुरंत चाय पीने के लिए उठ खड़े हुए, जरा जोरदार ताली, 10 मिनट का तुम्हारे मिलेंगे।